अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एसएसपी के आदेश पर राजघाट पुलिस और चिलुआताल पुलिस ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की और शराब में प्रयुक्त होने वाले महुआ और लहन को नष्ट किया। रविवार को सुबह राजघाट थाना प्रभारी राजेश कुमार ने अमृतानी बगिया में कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मारा। पुलिस की भनक मिलते ही कारोबारी फरार हो गए। इस तरह दो दिन पहले चिलुआताल पुलिस ने जगतबेला के पास कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारा और लहन और अर्धनिर्मित कच्ची शराब नष्ट किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया। बता दें आप क्या कार्य वाले होंगे हम लोग इधर। हेलो कहो ये आप कार्य वाले इतना आए कि आप कार्य वाले हो सकते हैं क्योंकि प्राइवेट में भी तो आ रहा है। आप कार्य वाले होंगे और बाहरी कोर्ट के लिए बताया गया था भाई बाहरी कोर्ट पर तक हम लोग तो नहीं होंगे बाहरी कोर्ट में ही होंगे। हाँ आप कार्य कच्ची शराब के अवैध मतलब निष्कर्षण बिक्री और परिवहन के सिलसिले में लगातार अभियान क्षेत्राधिकारी अपने स्तर के द्वारा चलाया जा रहा है। विशेषकर राजघाट थाना तिवारीपुर से एक विशेष टीमें भी गठित की गई हैं जो शराब के अवैध निष्कर्षण बिक्री और परिवहन के संबंध में ही केवल काम करेंगी और वो क्षेत्र में भ्रमण सिंह रहेंगे निरंतर और उस पर प्रभावी नोटिस लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसे पूर्ण रूपेण रोक दिया जाएगा। ये राजघाट एरिया में कुछ नदी के किनारे का क्षेत्र मुतानी बोला जाता है, वो क्षेत्र है जंगली, वहाँ अक्सर गंगा के नदी के किनारे जो है भट्टियाँ बना करके जो अवैध शराब का निष्कर्षण करते हैं इनकी भट्टियों पर को तोड़ने या उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी करने के लिए अभियान चलाया गया था। इसमें काफ़ी मात्रा में भट्टियाँ तोड़ी गई हैं, लहर नष्ट किए गए हैं, कुछ अवैध शराब भी बरामद हुई है जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अभी आज गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस बल को देखते ही वो मौके से भाग गए हैं और नदी का जहाँ झंकार का फायदा उठाते हुए फिर भी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, सूचीबद्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे जो भी बड़े कारोबारी हैं शराब के अवैध निष्कर्षण वाले उनकी सूची तैयार करके उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।